गुड मॉर्निंग बच्चों, अभी हम संचिता पुस्तक से पाठ 4 सूरज और मुर्गा कविता पढ़ेंगे। इस कविता के कवि हैं श्री प्रसाद। इस कविता में बताया गया है कि मुर्गे को एक भ्रम हो जाता है कि उसके बांग लगाने से सूरज निकलता है, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। सूरज अपने आप धीरे धीरे रोज सुबह पूरब दिशा से निकलता है। तो चलिए बच्चों, अभी पढ़ते हैं। कई बार हमने देखा है मुर्गा बांग लगाता, जब पूरब में मुस्काता सूरज धीरे धीरे आता तब। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि अनेक बार उसने देखा है कि जब मुर्गा बांग लगाता है तब सूरज धीरे धीरे मुस्काते हुए अपने आप पूरब दिशा से निकलता है। इसी बात से लगा सोचने सूरज को लाता हूँ मैं, बांग लगाकर रोज सुबह सूरज को चमकाता मैं। इसी बात से मुर्गा सोचने लगता है कि मैं सूरज को लाता हूँ, जब मैं बांग लगाता हूँ तब सूरज निकलता है। रोज सुबह बांग लगाकर मैं इस सूरज को चमकाता हूँ। और बात फिर सोची उसने, कल सोऊंगा मैं जी भर कर, बांग नहीं मैं दूंगा तड़के, सूरज आएगा क्यों कर। और फिर उसने सोचा, मैं कल जी भर कर सोऊंगा, मैं सुबह बांग नहीं लगाऊंगा तो सूरज पूरब दिशा से क्यों निकलेगा। मुर्गा सोया गहरी नींद, सूरज आया ठीक समय, रंग रंगीले फूल खिल गए, गूंज उठी चिड़ियों की लय। अर्थात मुर्गा गहरी नींद में सो जाता है, लेकिन सूरज अगले दिन ठीक समय पर निकलता है। सूरज के निकलने से कई रंग के फूल खिल उठते हैं और पूरे वातावरण में चिड़ियों की मधुर गीत गूंज उठती है। समझ गए बच्चों? चलिए एक्सरसाइज की ओर। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर इस प्रकार है। सूरज कहाँ से आता है? उत्तर है, सूरज पूरब दिशा से आता है। सूरज कैसे आता है? उत्तर है, सूरज धीरे धीरे हर सुबह अपने आप आता है। मुर्गा क्या सोचने लगा? मुर्गा सोचने लगा, यदि वह सोता रहेगा और बांग नहीं देगा तो सूरज नहीं निकलेगा। मुर्गा कब बांग लगाता है? मुर्गा सुबह सूरज के उगने पर बांग लगाता है। मुर्गा क्यों नहीं जागा? उत्तर है, मुर्गा इसलिए नहीं जागा क्योंकि उसे लगा कि उसके बांग देने से सूरज आता है, यदि वह देर तक सोता रहेगा तो सूरज नहीं निकलेगा। मुर्गे ने बांग नहीं दी फिर भी सूरज क्यों आया? उत्तर है, सूरज सुबह सवेरे अपने आप पूरब दिशा में उगता है, मुर्गे के बांग देने पर सूरज नहीं निकलता है। सूरज के आने पर क्या क्या हुआ? उत्तर है, सूरज के आने पर रंग रंगीले फूल खिल गए और चिड़ियों की लय गूंज उठी। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। मुर्गा सोया गहरी नींद, सूरज आया ठीक समय, रंग रंगीले फूल खिल गए, गूंज उठी चिड़ियों की लय। सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनके 3 ऑप्शंस दिए गए हैं
जो सही उत्तर है उस पर टिक लगाना है। रोज सुबह बांग कौन लगाता है? तो रोज सुबह बांग मुर्गा लगाता है, इसलिए जहां मुर्गा लिखा है उसके आगे वाले बॉक्स में टिक लगाएंगे। कैसे फूल खिल गए? रंग रंगीले फूल खिल गए, तो जहां रंग रंगीले लिखा है उसके आगे वाले बॉक्स में टिक लगाएंगे। किसकी लय गूंज उठी? तो चिड़ियों की लय गूंज उठी, चिड़ियों की जहां लिखा है उसके आगे वाले बॉक्स में टिक लगाएंगे। इनके एक एक नाम और लिखिए, जैसे सुबह सवेरा, फूल सुमन या कुसुम, सूरज सूर्य। उल्टे अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए, जोड़े बनाना है उल्टे अर्थ वाले शब्दों के। पहला दिया हुआ धीरे का तेज, तो मिलान कर दिया गया है। सुबह का उल्टा शाम, रेखा खींच देंगे। कल का उल्टा आज, रेखा खींचकर आज से मिलान कर देंगे। आया गया ये दिया हुआ है, ठीक गलत इसका मिलान करेंगे। दूंगा लूंगा इसका मिलान कर देंगे। पढ़िए और समझिए, मुर्गा मुर्गे, छाता छाते, गमला गमले, चिड़िया चिड़ियाँ, चूहिया चूहियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ, अर्थात एक और एक वचन शब्द दिए गए हैं और दूसरी तरफ बहुवचन शब्द दिए गए हैं। बच्चों इसे आप याद कीजिएगा। दिए गए अक्षरों में मात्राएं बदलकर नए शब्द बनाइए। तल ताल तला तिल तोल, वैसे ही बल बाल बला बिल बोल, कल काल कला किला कोल, मल माल मला मिल मोल। बच्चों इसे आप बुक में लिख लीजिएगा और इस कविता को लिख लिख कर अच्छी तरह याद कीजिएगा। धन्यवाद।